औमजालगलिदांगस्य ज्ञानयुगलविशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीपादकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछागलगतरूपेश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवाद पाश्चात्य हरे कृष्ण श्रीमद्भागवतम सातवां कैंटो पंद्रह अध्याय और 21वां श्लोक 20वें श्लोक में हमने सुना था कि भूख तथा प्यास से पीड़ित मनुष्य की प्रबल शारीरिक इच्छाएं तथा आवश्यकताएं भोजन करने के बाद निश्चित रूप से तुष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार यदि कोई क्रोध करता है तो प्रताड़ना तथा उसके फल द्वारा क्रोध तुष्ट हो जाता है, लेकिन जहां तक लालच की बात है, यदि लालची व्यक्ति संसार की सारी दिशाओं को जीत ले या संसार की प्रत्येक वस्तु का भोग भी कर ले तो वह तुष्ट नहीं होगा। हे राजा युधिष्ठिर, अनेक अनुभवी व्यक्ति, अनेक विधि सलाहकार, अनेक विद्वान तथा विद्वत सभाओं के सभापति, सुने जाने योग्य अनेक व्यक्ति अपने अपने पदों से संतुष्ट ना होने के कारण नारकीय जीवन में जा गिरते हैं। तो आज चर्चा हो रही है इंटेलेक्चुअल लोगों की। हम लोग अक्सर यही चाहते हैं कि हम कुछ ज्ञानी बने। ज्ञानी वर्ग से तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि प्रभुपाद के तात्पर्य में ज्ञानी 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 बहुत बोला है, लेकिन ज्ञानी बहुत सारे तरीके से लोग हैं। हम लोग चाहते हैं हम किसी सभा के सभापति हों, जहां विद्वान लोग बैठते हों, वहां हमारी सलाहें ली जाएं, अनुभवी लोगों के बीच में हमारा नाम हो, सलाहकार बने, ऐसी जगह पर हम चुने जाएं, बड़े बड़े पदों पर हम पहुंच जाएं, किस तरीके से हमारी एडवाइस की भी वैल्यू होनी चाहिए। खासतौर पर जब हम बच्चे होते हैं छोटे, तब बड़ा लगता है ऐसा, क्योंकि कोई भी आगे कोई सजेशन पाए तो भी ऐसा कर ले चुपचाप बैठ जाओ, हमारा तो बच्चा है, है? अब लोग तो बच्चा है, तो बड़ा लगता है कम। मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा बच्चे नहीं है हम लोग, हम बड़े। तो ऐसा कह रहे हैं, चाहे बच्चों में हो चाहे बड़ों में, बड़े लोग भी ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं या बिजनेस में काम करते हैं, तो वो बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं, है ना, ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचते जाते हैं, जहां उनका सिर्फ उन्हें कुछ अप्रूव करना पड़ता है, अप्रूव्ड, बस यही काम उनका, बटन दबाना अप्रूव। तो ऐसे व्यक्ति बता रहे हैं अपने पदों से संतुष्ट नहीं हो पाते और नारकीय जीवन में जा गिरते हैं। कल मैं आ लू कहां गिरते हैं, नारकीय जीवन, मतलब इस जीवन में उनको दुख मिलता है नरक जैसा, इस जीवन में नरक जैसा दुख मिलता है, और कुछ नरक भी मिलता है या इस जीवन में नरक जैसा मिलता है। एक पिक्चर सुनी आपने, नरक स्वर्ग या नरक यहां है, सब कुछ कहां है, सब कुछ यही है कि नहीं, तो फिर आप कैसे कह रहे हो वहां मिलेगा, सब कुछ तो यही है ना, तो यहीं पर भोगेगा ना नरक। जैसे कुत्ते को खुजली हो जाती है और खुजलाए जैसे, बताइए ऐसे कैसे करे कुत्ता, आप कर सकते हो, वो कर सकता है, तो खुद ही क्या करे,
किसी तरह उल्टा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, हाँ ये क्या है, नारकीय जीवन। तो यही है ना नारकीय जीवन, स्वर्ग या नरक या इसको कहते हैं, या नारकीय जीवन कुछ और भी है, कुछ और भी है। तो वहां क्या होता है, यात्रा दी जाती है, जैसे कि जेल है वो प्रॉपर जेल होती है कुछ। तो कौन गिरता है वहां पर ऐसी जगह में, हा? जो अपने पदों से संतुष्ट नहीं है, किस रंग में, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, संतुष्ट और लोग है, संतुष्ट हो, हम खुद बोलते हैं कि नहीं हमारी प्रमोशन होगी, अब हम क्या बन गए, अब हम ये बन गए। तो जो इसमें संतुष्ट नहीं है इस प्रकार से, तो हम भी संतुष्ट रहते हैं, हाँ हो जाते हैं थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद फिर असंतुष्ट हो जाते हैं। और वैसे ही हर जगह संतुष्टि हो सकती है, माता, ये माताएं भी सो सकती हैं, अब मैं क्या बन गई, सास बन गई, अब मेरा पद ऊंचा हो गया। हाँ फिर कहते हैं अब तू जल्दी से बच्चा पैदा, क्योंकि तो मैं अब क्या बनना चाहती हूँ, अब मैं दादी बनना चाहती हूँ, और इस प्रकार से अब मैं परदादी बनना चाहती हूँ। तो जो व्यक्ति अपने अपने पदों से संतुष्ट नहीं है, चाहे वो कितना ही विद्वान व्यक्तियों के बीच में रहता है, सलाहकार है, वो नरक में जाता है, क्योंकि वो संतुष्ट होने के लिए क्या करता है, और हाथ पैर मारता है, और कोशिश करता है कि वो किसी तरह संतुष्ट हो जाए, और ऊंचा चला जाए, और ऊंचा चला जाए। प्रॉब्लम क्या है, जितना ऊंचाई पे जाते हैं वहां पे क्या समस्या होती है, गर्मी होती है, गिरने का डर होता है, खोने का डर होता है। पहाड़ में चले गए आप लोग नहीं, तो जितना ऊपर जाते हैं उतना क्या होता है, ऑक्सीजन कम, ये आपके साथ और भी होंगे चलने वाले, हाँ कुछ लोग गिरते जाएंगे, और क्या होगा, डर लगेगा, सिक्योरिटी रहेगी, अनसिक्योरिटी रहेगी, अभी तो आप जा रहे हो ऊपर, और तो जब पहुंच जाओगे तो शायद रिसोर्स कम हो जाएंगे, संसार में तो रिसोर्स बढ़ जाते हैं उस आदमी के पास। और जगह कितनी रह जाएगी, जगह कम होती जाएगी। हाँ आप देखोगे कि चोटी के ऊपर ये चोटी होती है, उसमें एक मंदिर होता है, एकदम बस जरा सी इतने गोलाई में एक मंदिर होगा। जैसे आप नरसिंह भगवान के मंदिर में जाएंगे, हाँ साउथ में अवलम में, तो आप जाओगे 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 ऊपर जरा सा बस परिक्रमा, अगर जरा जरा सा ध्यान व्रत किया तो देख के गिर गया आदमी डर के मारे। तो जितना ऊपर जाते हैं जगह कम हो जाती है, ऐसे उदाहरण पहाड़, लेकिन वो टॉप पे हुआ फिर उस पर, उसके बाद वही सब होता है जो आपने कहा, कोई होता नहीं है, गिरने का भय रहता है। इस प्रकार से वो अगर वहां पर थोड़ा सा भी डांस करे, जैसे अभी आप लोग यहां कर रहे थे, तो डांस करते करते नीचे गिर जाए, जरा ही नहीं है डांस करने की, है ना। इस प्रकार से हाथ पैर अगर ऐसे आदमी चलाता रहे, कोशिश करता रहे, जैसे कि संसार में बोलते हैं कि तुम्हें क्या नहीं होना है, तुम्हें बेटा संतुष्ट नहीं होना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। बताइए ऐसा सिखाते हैं कि नहीं, तो आगे नहीं बढ़ना है, है? भक्ति में आगे बढ़ना है, उसका क्या मतलब होता है, भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब दास भाव ज्यादा बढ़ाना है, यानी कि सबसे पीछे रहना है, नीचे रहना है, लेकिन इसको क्या कहते हैं भक्ति में आगे बढ़ना। पर मैं तो भक्ति में आगे बढ़ना क्या है, पीछे रहना, यानी कि सवेरे जैसे आपको उठाया जाए 3 बजे, तो बोलो मैं भक्ति में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ प्रभु जी, इसलिए मैं 5 बजे उठूंगा, सबसे पीछे रहूंगा, ऐसे फिर कैसे क्लास में बैठूंगा तो पीछे बैठूंगा एकदम, क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ।
क्या मतलब फिर इसका है? हाँ जी, भक्ति में कार्य उत्साह से करना, अपने अंदर दास भावना रखना और होड़ में लगाना भी मतलब कि मैं जाके वो बचपन में आपने एक जोक सुना था कि एक आदमी के पीछे अचानक से एक आदमी भागता हुआ आया, उसको लगा ये मार देगा उसको, बड़ी तेजी से भागता हुआ वो भागा, वो उसके पीछे भाग करे बहुत देर तक भाग करे और भागते 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 आगे वाला व्यक्ति गिर गया और ये पूरी स्पीड से आ रहा है, बस अब मेरा जीवन खत्म। वो आया और उसने आगे क्या बोला, छू लिया। ऐसे कई बार हमारे भक्त लोग भी करते हैं, हमारे खास तौर पे भारतवर्ष में कुछ ऐसी प्रतियोगिताएं अक्सर होती हैं, कोई लाइन हो कोई कुछ हो, कोई आदमी उसको कंट्रोल करके दिखा दे, कोई माइकल लाल लाइन बना के दिखा दे अगर, है ना, किसी भी जगह में हो, चाहे वो धार्मिक हो सिनेमा हॉल हो। तो बचपन में जब हम सिनेमा हॉल में जाते थे गंदे काम, तो वहां हमने लिटरली देखा, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे हॉल नहीं होते थे ऐसे सोफिस्टिकेटेड, दरवाजा खुलते ही भागना होता था सीट के लिए। फिर हमारे जमाने में जब हवाई जहाज भी मिला तो वो भी ऐसे मिला, हवाई जहाज के अंदर भागना होता था सीट के लिए। तो इसमें हमारे अंदर ये आदत से बढ़ गई है कि भागे बिना मिलेगा नहीं, प्रसादम के भीड़ पे कुछ आप कुछ। अच्छा, आदमी खड़ा है तो खड़ा भी नहीं रहेगा, उसके नेचर है कि वो ऐसे करके रखेगा, हमेशा ऐसे खड़ा ही ऐसे होगा, वो थोड़ा सा पुश करके रखना है, नहीं तो खड़ा रहेगा सामने वाला चलेगा नहीं। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी जो पीछे आपकी गाड़ी है वो थोड़ा आपको पुश करके रखेगी, डेडलाइट है लेकिन वो प्रेशर बना के रखेगा वो, ताकि रेड लाइट के पहले ही आप एक्सीलेटर दबा के रखो और झटके से गाड़ी आगे जाए। तो ये होड़ जो है, ये आगे बढ़ने की जो इच्छा है हमेशा, इसको थोड़ा शांत करना है। इसका मतलब ये है, आप पहले खा लीजिए, आप पहले पा लीजिए, आप उठ तो गया है सवेरे, लेकिन मे भी अगर कोई खड़ा है तो क्या बोल रहा है, आप पहले चली गई, क्या बोल रहा है, तब तक उसका समय बेकार होगा सारा। बोलो क्या कर रहे हैं ये लोग सवेरे, तब एक साथ ना लेते हैं, आठ बाथरूम में 80 लोग ना लेते हैं, वेटिंग टाइम है ही आपका, वेटिंग टाइम में क्या करते हो, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं वेटिंग टाइम में माला कर लेते हैं, अच्छा अच्छा तो वेटिंग टाइम में माला कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं, आप चले जाइए, आपको ज्यादा जरूरत है। इस प्रकार से अपना समय भी बर्बाद नहीं किया और दूसरे को आगे भी भेज दिया। और खाते हुए अगर आप चल रहे हैं और कोई व्यक्ति बहुत धक्का मुक्का मार के आपके आगे निकल रहा है, तो आप जनरली आप लोग क्या करते हैं, बलराम जो है ऐसे और वहीं पर दो लोगों की गुत्था गुत्था हो रही है, भाभी जी मैं लाइन में आगे था, ये लाइन में पीछे था, ये आगे बढ़ा था, तो ऐसे में क्या करें, भैया आप आ गया जी, क्या दिक्कत, नहीं कर पाओगे ऐसे, नहीं कर पाओगे। तो जो ऐसा नहीं करता है, जो अपने पद से संतुष्ट नहीं है, वो कहां गिरता जाके, नरक में जाके गिरता है। अध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को भौतिक दृष्टि से संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना होने पर भौतिक विकास के लालच से उसकी आध्यात्मिक प्रगति अस्त व्यस्त हो जाएगी। किस लालच से, भौतिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि मुझे और थोड़ा ठीक है, भक्ति तो करनी है, लेकिन कैसे लगेंगे कंगले, कंगले भक्त कैसे लगेंगे संसार में प्रभु जी, कंगले भक्त। आज इस्कॉन में लोग इसलिए पूछते हैं क्योंकि इस्कॉन के मंदिरों में इटालियन मार्बल लगा है, क्यों, सही बात है कि नहीं, नहीं तो क्यों आता है फिर है? मार्बल अगर साफ मार, इतना बढ़िया इटालियन मार्बल ना लगाओ तो, अब अगर नोएडा टेम्पल में गोविंददास ना हो तो आप जाओगे वहां, जाओगे तो फिर नोएडा मंदिर में क्यों जाते हैं हम, और मंदिर में क्यों जाते हैं? अच्छा, हमारे घर के पास में तो गाजियाबाद मंदिर है,
दिल्ली मंदिर क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां महंगा है, गोविंदास वहां भी नहीं जाते नहीं। तो फिर जब हमारे पास इटालियन मार्बल होगा तभी तो लोग आएंगे। तो पैसा तो चाहिए बहू जी, मंदिर को भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। किसी को विकास से होगा। जब हमारे भाई वो बोलता था, हमारा एक बॉस बहुत पहले कहता, जब पेट में दाने पूरे होंगे ना तभी दिमाग चलता है। तो दाने उसका मतलब है नोट, दाने क्या है कि दाने, बहुत बड़ा अमीर आदमी था लेकिन उसके दाने पूरे ही नहीं हुए कभी पेट में। तो दाने चाहिए कि नहीं? भूखे पेट ना भजन गोपाला, भूखे पेट भजन कैसे होगा? पता ये सही बात है कि नहीं? नहीं, भूखे पेट भजन हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल है इसका, सबसे ज्यादा माला आप पूरे साल में निर्जला में ही करते हो, इसका मतलब भूखे पेट हो जाएगा, भजन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये भौतिक दृष्टि से हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, ये प्रभुपाद कह रहे हैं, हमें लगता रहता है और थोड़ा सा इतना तो होना ही चाहिए। जैसे कल को कोई कन्या के लिए मतलब वर लेने जाएंगे तो क्या बोलेंगे, मतलब इसलिए बेटे को इतना तो होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? क्या होना चाहिए बेटे को? थोड़ा अच्छा भक्त होना चाहिए। अरे भक्त होना चाहिए, लेकिन भक्त होने के अलावा पैसा भी जरूरी है। खाएंगे क्या दोनों? यात्रा में कैसे जाएंगे? भक्त हेल्प कर देंगे। यात्रा में जाना क्या इतना जरूरी है? भगवत धाम जाने के लिखा होता आपने इतनी यात्राएं करी कि नहीं है? ऐसा लिखा चार धाम कर दिए कि नहीं? नहीं, वो सॉरी गंगा सागर गए कि नहीं, ऐसा कहीं है? चार धाम हो गए आप लोगों के? नहीं हुए? बदना पड़ाइए तो आप सेफ हुए ना, इसका मतलब अभी भी सेफ नहीं हो ऐसा। वैसे जीव गोस्वामी ने बोला है ये जो यात्रा है ये भ्रमण है, ये मन का बहन है और कुछ नहीं। यात्रा में जाने का पर्पस केवल भजन होना चाहिए, इसलिए जगहों को देखना इज नॉट द पर्पस वास्तव में। इसलिए जिस पे नहीं है वो भक्तों के संग में संतुष्ट रहेगा, अगर वो संतुष्ट रहेगा तो तब वो विकास करेगा, नहीं तो भौतिक विकास के चक्कर में पड़ जाएगा। तो मैं अक्सर एक कथा वो बताता हूँ जो मैंने पढ़ी थी रामनाथ महाराज के जीवनी में, कि उन्होंने उन्हें कौन मिले थे, एक व्यक्ति उनका नाम नहीं पता मुझे, घनश्याम और द पर्सन, जो कि वृंदावन में एक सुरंग जैसी जगह में रहते थे, मतलब नीचे को समझ लीजिए, और वहां पर अंदर जाके उनके विग्रह थे और उस मंदिर से वो बाहर निकलते थे, उस सुरंग से सॉरी, केवल एक कार्य के लिए बाहर निकलते थे, पानी लाने के लिए और जो भी उनके ड्यूटीज थे उनके लिए रोटियां मांग के लाते थे, वो उसके लिए वो बाहर निकलते थे, नहीं तो सारा समय उसी के अंदर रहते थे। और इतना बड़ा सरप्राइज था महाराज के लिए कि उन्होंने बोला एक बार कि मैं कहां जा रहा हूं, गोवर्धन, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए उस घनश्याम के, कि मेरे लिए भी वेदास से कुछ मांग लेना, उनके अच्छे से दर्शन करना। तो बातों बातों में उनको पता चला कि वो व्यक्ति आज तक गिरिराज गए ही नहीं थे। कहां से? वृंदावन से। ये देख के, ये सुन के वो बड़े सरप्राइज हुए महाराज की, ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रकार संतुष्ट हैं भगवान की सेवा में, तो उन्हें वृंदावन से गिरिराज भी जाने का समय नहीं है उनके पास। और हम सोचते हैं कि हम शायद परिक्रमा लगा गए या पहुंचाए तो अब हमारा कल्याण हो गया। तो मुख्य चीज क्या है कि भगवान की सेवा हमें मिलती रहे, भक्तों की सेवा, गुरु की मिशन इत्यादि में हम लगे रहे निरंतर। यदि ऐसा ना होता तो इस्कॉन चलता ही नहीं, क्योंकि इस्कॉन तो इंडिया में चला ही नहीं कभी, तो चला ही विदेश में। और कई सारे ऐसे विदेशी भक्त हैं जिन्होंने वृंदावन जीवन में एक बार देखा होगा, दो बार देखा होगा। कई सारे भक्त पूरे साल पैसा जोड़ते हैं एक बार वृंदावन आने के लिए, और वो बस एक बार आके कार्तिक में चले जाते हैं, बाकी वो कहाँ रहते हैं? न्यू वृंदावन, न्यू मायापुर, न्यू गोलोक, इन जगहों पे रहते हैं, क्योंकि वास्तविकता रूप में तो नहीं है वृंदावन,
या मायापुर, है ना। तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है कि हम भौतिक परिस्थिति से कैसे रहें, संतुष्ट रहें। अगर हमें भक्ति करने के लिए कुछ नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो हम भक्ति करने के लिए तो मांग सकते हैं थोड़ा धन, भक्ति करने के लिए वास्तव में, देना हो तो अपने को दे। तो भगवान की सेवा कैसे करें फिर, हाँ पत्तों से, ओके जो भी आपके पास अवेलेबल है। एक बहुमूल्य वस्तु हम सब लोग छुपाए बैठे हैं, वो क्या है, ये शरीर कितना कीमती है, बहुत कीमती है। इस शरीर को तो आपको भगवान ने दिया ही है ये इंस्ट्रूमेंट सेवा करने के लिए, तो भगवान को दंडवत कर सकते हो, भगवान के सामने नाच सकते हो, ये शरीर तो मिला ही, तो इससे ही हम सेवा करेंगे और भगवान जो भी हमें देंगे उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। एक है विपन्नता या दरिद्रता, दरिद्र दोषो गुण राशि नाशी, यदि कोई फटे हाल है तो उसके सारे सदगुण व्यर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई आध्यात्मिक लालची है तो उसके सारे सदगुण नष्ट हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि भक्ति करते हुए भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, अतएव ऐसा तालमेल होना चाहिए मनुष्य दरिद्र ना रहे किंतु वह जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से तुष्ट होकर हो सके तथा लालच ना करे, न्यूनतम आवश्यकताएं उससे तुष्ट हो जाए। अतएव आध्यात्मिक उन्नति के लिए भक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह यही है कि वह न्यूनतम आवश्यकताओं से तुष्ट रहे। किन आवश्यकताओं से, न्यूनतम, न्यूनतम मिनिमम, बेयर मिनिमम। फलस्वरूप भक्ति में पारंगत विद्वान सलाह देते हैं कि मंदिरों तथा मठों की संख्या बढ़ाने की चेष्टा ना करी जाए, ऐसे कार्य केवल वे भक्त करें जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अग्रसर करने में अनुभवी है। क्या होगा इससे कि हम भी एक मंदिर बनाएंगे, अब बेचारा सारा अपना घर बार बेच देगा फिर एक मंदिर बनाएगा, हाँ उतना उसको अनुभव नहीं है तो उसका जीवन इसमें निकल जाएगा, तो फिर क्या करे वो जीवन में, फिर वो हरिनाम का प्रचार करे, हाँ वो पुस्तक बाकी चीजें करे। तो भगवान ने अगर उसको धन दिया है तभी तो वो कर पाएगा, नहीं तो कुछ लोग मिलके फिर कुछ करेंगे इकट्ठा, हम लोग जैसे कई सारे लोग एक साथ मिलके मंदिर का निर्माण करते हैं, है ना, तभी तो मंदिर बनते हैं हमारे, सारे के सारे भक्त लोग लग जाते हैं उसके लिए धन इकट्ठा करने के लिए, तब वही मुश्किल काम आसान हो जाता है। दक्षिण भारत के सारे आचार्यों ने, विशेषतः रामानुजाचार्य ने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, उत्तर भारत में वृंदावन के गोस्वामी ने भी मंदिर बनवाए, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौड़ीय मठ नाम के बड़े सारे मंदिर बनवाए। अतः मंदिर निर्माण करना बुरा नहीं है बशर्ते कि कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए सतर्कता बरती जाए, मुख्य काम न छूट जाए, कहीं इतने बड़े बड़े बंगले ना बन जाए और उसके अंदर हम आराम की जिंदगी ना बिताने लग जाए, कहीं हम गोविंदास के चक्कर में ना जाए, कहीं हम एसी के चक्कर में ना जाए, ठंडे मार्बल के चक्कर में ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। भले ही ऐसे प्रयास लोभपूर्ण माने जाए किंतु आध्यात्मिक है तो गुरु बात करें, इसका मतलब मंदिर निर्माण भी जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन मुख्य कार्य क्या है, कृष्ण भावनामृत, उसका जो हमारी साधना है सेवा है वो जरूर चले और बाकी चीजों से हम क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए हमारे जीवन में जो है। किस किस चीज से संतुष्ट हो सकते हैं आप बताइए, जितना धन है संतुष्ट, और हेल्थ जैसी है उससे संतुष्ट, और प्रसाद जितना मिले, हाँ जी इधर को ध्यान दो, इधर को जितना प्रसाद मिले संतुष्ट रहे, और हाँ जितने कपड़े हो उसमें संतुष्ट रहे, और जितने खिलौने हो उतने खिलौने भी क्यों है उसमें संतुष्ट रहे, और हाँ क्या जितनी यात्रा में जा पाए वो भी संतुष्ट रहे, और बोलो बोलो क्या मतलब, ऐसा नहीं बताओ ढंग से बताओ, नहीं 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 ऐसे नहीं, नाम के साथ बताओ, जैसी पत्नी है उसमें, जैसा पति है उसमें, बोलो
जैसा बच्चा भगवान ने दिया उसमें, जैसे माता पिता दिए उसमें, हाँ जो वाहन है उसमें संतुष्ट हो जाए। अब हमारे यमराज किस में संतुष्ट है? तो बैल में ही संतुष्ट है। कितने अच्छे भक्त हैं वो, महाजन है। महाजन किस में संतुष्ट है? बैल में। भैंसा, भैंसे में संतुष्ट है बहुत, और ज्यादा। बैल तो फिर भी थोड़ा बढ़िया होता है, भैंसा तो फिर कितना तेज भागेगा बैल के सामने, उतना तगड़ा भी नहीं होगा, काला भी है। शिव जी बैल में संतुष्ट है, बैल बैल, ठीक है ओके। संकल्प पूर्व योजनाएं बनाकर मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं, काम पूर्ण इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। संकल्प पूर्वक योजनाएं बनाकर, तो दो तरह का मीनिंग हो सकता है। एक तो आदमी संकल्प करता है, क्या है वो हमारे आर्मी का स्लोगन क्या है, संकल्प करूं क्या है वो समथिंग, वो आर्मी का एक स्लोगन है हमारी कि जीत हासिल होगी संकल्प करो, का मतलब ये है। तो कई बार हम संकल्प लेते हैं, हैं? हाँ ऐसे ही कुछ, निश्चय कर जीत करो समथिंग। तो संकल्प बनाते हैं हम लोग कई बार, तो संकल्प इसलिए हम बनाते हैं कि ये हम संकल्प लेते हैं कि हम ये प्राप्त करेंगे, ये प्राप्त करेंगे, कि अब हम संकल्प लेते हैं कि माँ मैं संकल्प लेता हूँ कि इस व्यक्ति को जान से मारूँगा, हाँ जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, तो ऐसा संकल्प लेते हैं ना लोग। तो संकल्प हम कई कई सारे संकल्प लेते हैं, हमारे सारे संकल्प पूरे हो जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के संकल्प पूरे हो जाते हैं, वो किताबें छाप देते हैं और बाकी लोग उसको पढ़ते हैं कि शायद इस किताब को पढ़ने से मेरे संकल्प भी पूरे हो जाएंगे। हाँ करोड़ों में से कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनके संकल्प पूरे हो जाते हैं, जैसे कि माना धीरू भाई अम्बानी जमीन से चला, उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी ना, बहुत बड़ा बिजनेस मिस कर दिया उन्होंने एक, अगर उन्होंने पुस्तक लिखी होती फिर तो ऐसे लोगों की पुस्तक लोग पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम भी सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं। यदि हम ये सीख जाएं कि सचिन तेंदुलकर का सीक्रेट क्या था उसकी किताब में, अगर हम इसको पढ़ लें तो यू कैन विन, तो हम उसको पढ़ते हैं जीतने के लिए, तो क्या वो जीत जाते हैं? तो वो व्यक्ति कैसे जीत गया, वो व्यक्ति कैसे जीत गया जितने संकल्प किया, हाँ उसको उसके कर्मों का फल मिला, उसने किताब लिख दी, उसको समझ में नहीं आया कि मेरे जैसे पता नहीं कितने आए और मेरे से ज़्यादा मेहनत करी और बेचारे फिर भी वहाँ नहीं पहुँच पाए और मैं पहुँच गया, उसको क्या लगता है ये सब में कैसे हुआ, मेरी बुद्धि से हुआ है, मेरे प्रयास से हुआ, इसलिए उसने किताब लिखी और बाकियों ने उसको ध्यान से पढ़ा कि हम भी ऐसे प्रयास करेंगे, लेकिन क्या हुआ वो बेचारा वहीं का ही रह गया, वो किताब में ही रह गया। उसने फिर एक पढ़ी, फिर उसने दूसरी पढ़ी, अ मंक हू सोल्ड अ फरारी, उसने पढ़ा रिच डैड पुअर डैड, कई सारी किताबें पढ़ डाली, लेकिन वो बेचारा पुअर डैड पुअर सन रह गया, उसको कुछ हुआ ही नहीं। अब फार्मूला तो रिपीट करने पे फिर से चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? अगर वो इतना सॉलिड फार्मूला है तो दोबारा चलना चाहिए, दोबारा नहीं चल रहा, चल रहा है? हाँ संसार में जाओगे तो पता चलेगा, आप लोगों को पता नहीं ना, किताबों के पीछे लोग पागल हैं, पढ़ते हैं इसको, गोल एक किताब है, गोल द गोल या गोल, हाँ द गोल, हाँ जो भी है गोल, वो भी ऐसी है, गोल लक्ष्य, एक पिक्चर भी है लक्ष्य। इस प्रकार से जीवन जीता है आदमी, तो हर आदमी ये सोचता है कि उसने समहाउ कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वो सफल बन गया, उनकी उनकी स्पीच कराइए, वो बढ़िया सी स्पीच देंगे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुम भी ऐसा बन सकते हो। और ऐसे लोग क्या बन जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। और वो क्यों चल जाते हैं, क्योंकि बाकी लोग सोचते हैं यदि हम इसको सुनेंगे
तो आप भी बन सकते हैं, ऐसे बोलते हो, वो अंदर से कुछ खून उबलने लगता है एकदम से। और जब दूध उबलता है तो क्या होता है, वो गिर जाता है, उसके बाद लगाया जाए उसमें आग, फिर उबलता है, उसमें खत्म हो गया, उसमें उसका फुस हो गया, वो इतना उसको उबाल दिया बेचारे को कि वो गिर गया और फुस हो गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो संकल्प करना सिखाते हैं। बोले संकल्प करो तो पूरी कायनात, हाँ पूरी कायनात, बताइए जरा, वो आपके लिए लग जाएगी। मक्खी मच्छर रेंगते हुए कीड़े के लिए कौन लगेगी? पूरी कायनात लगेगी आपका मल साफ करने के लिए। हाँ बताइए, पर आप इच्छा तो कीजिए, आप यूनिवर्स से मांगिए और पूरा यूनिवर्स आपको संतुष्ट करने में लग जाएगा। ये यूनिवर्स भी भगवान बन चुका है, पता आपको? वैसे तो यूनिवर्स भौतिक प्रकृति है, जो शास्त्रों के अनुसार से पूरे आध्यात्मिक आकाश में एक कोने में अंधेरा है, जैसे वो हॉल में वहाँ कोने में बल्ब नहीं है, वहाँ पर वो नेग्लेक्टेड एरिया है, कोना, वहाँ बल्ब नहीं, अंधेरा है। हाँ लेकिन वो अंधेरा क्या बन चुका है, वो भगवान बन चुका है, मालूम है आपको? हाँ अब यही तो आप लोग बचे हुए हो ना इन चीज़ों से। लोग कहते हैं यूनिवर्स आपके डिमांड को पूरा करता है, अदरवाइज ऐसा कैसे होता है? प्रभु जी मैंने इच्छा करी थी कि मैं विदेश जाऊंगा, मैं चला गया। प्रभु जी मैंने इच्छा करी थी कि मैं डिग्री प्राप्त करूं, मेरे को प्राप्त हो गई। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपकी डिमांड को पूरा करता है, ये यूनिवर्स ही सब कुछ है, इससे मांगिए। हाँ या वही उर्दू में वो कायनात हो गया, इंग्लिश में वो यूनिवर्स हो गया, वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति में लगेगा। अरे हमारी ऐसी इच्छाओं की पूर्ति तो हमारी पत्नी भी नहीं कर रही है, घर में खाना दे के बिना मांगे, कई बार गिड़गिड़ा के, और लेकिन यूनिवर्स लग जाएगा आपकी सेवा में। हाँ पत्नी को तो लगा नहीं पा रहे हो आप लोग, यूनिवर्स जरूर लग जाएगा। या पत्नी या पति को नहीं लगा पा रही है, कितनी तिरछी नज़रें देख ली, कितने कपड़े बदल लिए, लेकिन कुछ असर नहीं होता है, एक दो दिन तक आगे पीछे घूमता है, फिर भग लेता है, नहीं हो पा रहा ना, तो यूनिवर्स को कंट्रोल कर लेंगे हम। तो ऐसा संकल्प मनुष्य कर रहा है आज की डेट में। ये आप आगे जाओगे दुनिया में, कभी बच्चे हमारे तो देखेंगे दुनिया, ये बड़ी हॉट फिलोसफीज हैं आज की डेट की। तो संकल्प, और दूसरा तरीका इसका समझने का ये है कि व्यक्ति संकल्प करके इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से बच सकता है। लेकिन हमारा संकल्प क्या होता है, मैं संकल्प लेता हूँ आज से एक भी मंगल आरती नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ। हाँ भक्त वैसे ऐसे संकल्प भी नहीं करता है। हाँ भक्त कहता है भगवान मैं प्रयास करूँगा, मैं तुच्छ व्यक्ति हूँ, अपना पूरा प्रयास करूँगा, लेकिन आपकी कृपा की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो हो नहीं पाएगा। ये उस संकल्प नहीं करेगा। विश्वामित्र की तरह, विश्वामित्र ने क्या संकल्प किया, उसने कहा त्रिशंकु को मैं भेज करूँगा, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। और फिर उसका सारा ब्रह्म तेज समाप्त हो गया, उसी के अंदर सारी शक्ति वहीं लग गई, और पहुंचाने के बाद भी वो कुछ कर नहीं पाए। फिर भगवान को याद किया, फिर भगवान ने कुछ सेटलमेंट करी किस तरीके से। तो हमारे संकल्प प्रयास करने के हो सकते हैं, जेन्युइन संकल्प, कि हम संकल्प लेते हैं कि हम सवेरे जल्दी उठेंगे, लेकिन भगवान की गुरु की कृपा की आवश्यकता होगी। हम अपना 100% देंगे, बट लेट्स सी भगवान क्या चाहते हैं, पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। तो भगवान हमारा फेल्योर भी चाह सकते हैं, भगवान ये भी चाह सकते हैं हम हार जाएं, हैं हार जाएं, क्यों? उसमें भी उनकी कोई योजना होगी, हमको हराने में भी उनकी कोई योजना रहेगी, तो उसकी योजना को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यस, इस प्रकार ईर्ष्या त्याग कर, अब ईर्ष्या बीच में कहां से आ गई इसमें, हैं? ईर्ष्या यही तो है, वो निकल गया, उसको ज़्यादा मिल गया, उसका फायदा हो गया, उसको गिफ्ट मिल गया, उसको प्यार मिल गया, उसको पोजीशन मिल गई, वो ज़्यादा पास चला गया, उसको सुंदर मिल गया, मिल गई वगैरह, ईर्ष्या। इसी के चक्कर में तो आदमी ने संकल्प किया था कि मैं भी इसको प्राप्त करके रहूँगा। हाँ रावण का क्या संकल्प था, कि मैं सीता को प्राप्त करके रहूँगा, संकल्प प्राप्त किया उसने, प्राप्त करके भी जल गया, तो ऐसे प्राप्त करने का क्या लाभ है।
इस प्रकार ईर्ष्या को त्याग देना चाहिए। ईर्ष्या को कैसे त्यागेंगे? जब संतुष्ट रहेंगे भाई, जब संतुष्ट रहेंगे तभी तो ईर्ष्या को त्यागोगे। नहीं तो देखिएगा ना, इसके घर में ये वाला कर्टन लगाया है, ये वाला स्विच वेयर लगाया है, ये वाला वॉश बेसन लगाया है, ये वाली कार रखी है, तो ईर्ष्या होती है फिर। ओनर्स प्राइड है और नेबर्स एनवी है। तो इसलिए ईर्ष्या को त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहिए। क्रोध क्यों आता है? क्रोध लालच से आता है। लालच इच्छा पूरी नहीं होती है, लालच कभी संतुष्ट नहीं होता है। ये भी वही हो गया। इसका इसका क्रोध का फिर फॉर्मूला क्या है शांत करने का? संतुष्ट रहना। किस चीज से संतुष्ट रहना? सामने वाले ने जो मुझे गाली दी उससे, उस गाली से संतुष्ट है? गाली से संतुष्ट? बड़ी वाली पढ़नी थी। गाली से भी संतुष्ट बता रहे हैं। तो जितनी पिटाई मेरी लगी उस पिटाई से संतुष्ट? हाँ जी प्रभु जी, पिटाई से संतुष्ट है? संतुष्ट कोई एग्जांपल है जिसने पिटाई से संतोष लिया हो? हरिदास ठाकुर, ओके, संतुष्ट। प्रहलाद महाराज संतुष्ट। अद्वैत आचार्य परम संतुष्ट। और नित्यानंद प्रभु जराई मदाई पिटाई खाकर संतुष्ट। और ध्रुव महाराज माता के संतुष्ट नहीं हुए थे, बाद में हुए थे। हाँ गुरु महाराज परम संतुष्ट। तो इतने लोगों ने पिटाई भी खा के संतुष्टि दिखाई, प्रहलाद महाराज। तो ये संतुष्टि बड़ा इम्पोर्टेंट, यानी कि हमारे लिए एक टूल है। संतुष्टि कैसे प्राप्त की जाए, चलो ये चर्चा करते हैं। जब इतना इम्पोर्टेंट है तो ये संतुष्टि को प्राप्त कैसे किया जाए? होती नहीं है ना, बताइए। सोचिए जरा दिमाग को कि कब आदमी संतुष्ट होता है। भौतिक इच्छाएं ना रहें, शुद्ध भक्ति से, ओके, ये सोच के कि मेरे कर्मों का फल है। संतुष्टि किससे मिलेगी पहले ये पता होना चाहिए, ओके। मतलब भक्ति में संतुष्टि मिलेगी, आप ये कहना चाह रहे हो। निम्न मानना पड़ेगा। निम्न मानने से कैसे? निम्न मानने से ऐसे कि जो भी मुझे मिला है मैं उसके भी लायक नहीं हूँ, मैं उसके भी वर्स्ट हूँ, लेकिन ये जो मुझे मिला ये बहुत बढ़िया हो गया, मेरा काम है, इसको तो नहीं मिलना चाहिए था मुझे, तब संतुष्टि आती है। इसके विपरीत संतुष्टि कब नहीं आती है? जब व्यक्ति क्या सोचता है कि ये मेरा राइट है। क्या है? राइट। क्योंकि आपने पैसे दिए हैं इसलिए टीचर को पढ़ाना पड़ेगा। पैसे नहीं लेते प्रभु जी आप, पैसे तो लेते हो ना। बच्चे का रिजल्ट कहाँ जा रहा है? फ्री में पढ़ा रहे हो क्या? क्योंकि ऐसा आपने पैसे दिए इसलिए खाना मिलना चाहिए। आपने कूपन खरीदा था यात्रा में, अब खाना आपको देना पड़ेगा। बस की सीट देनी पड़ेगी, जेल की चक्की, अब तो जेल में आना पड़ेगा। तो ये जो हमारे अंदर आ जाता है अधिकार, ये अधिकार हमें संतुष्ट नहीं होने देता, क्योंकि ये मेरा राइट है। हर पत्नी का एक राइट होता है कि उसको सम्मान मिले, क्योंकि जहां पर पत्नी का सम्मान होता है वहीं पर देवता वास करते हैं, इसलिए सम्मान मिलना चाहिए है? हम तो उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं। और हर पति का भी तो है, हर पति को ये लगता है कि जब वो ऑफिस से काम काज करके आए, बेचारा कितनी मेहनत करी है, ये घर में बैठी, पूरे दिन घर में बैठी है, काम मैंने किया है, तो मुझे
अच्छा खाना सर्व होना चाहिए। यही दिन नहीं होगा तो सर पे प्लेट मार देगा, कई बार फेंक देगा प्लेट को। खिचड़ी अगर गलती से बना दी या स्वादिष्ट नहीं बना पाया, नमक तेज हो गया, क्या मालूम तुमको मैं ऑफिस में क्या क्या। अरे तुम्हारा भाग्य था गधे की तरह काम करना, तुम गधे की तरह काम कर रहे हो, इसमें वो क्या करे बेचारी। नहीं, उनको बड़ा भाग्य है कि भक्ति मिली है, ऐसा जगह मिली है, वो घर में बैठ के माला कर रही हैं, लेक्चर सुन रही हैं, आपस में बैठ के चर्चा कर रही हैं, गुरुकुल में जा रही हैं। तुम मरो बाहर, तुम्हारा भाग्य ऐसा है, इसमें उनका क्या दोष है। नहीं, सच बात यही है, ये आपका कर्तव्य है, आपको करना ही पड़ेगा, यही आपका भाग्य है। अब ये साधारण स्त्रियाँ होती तो इनका दुर्भाग्य होता क्योंकि ये किटी पार्टी में जा रही होती, लेकिन ये आनंद ले रही हैं भक्ति का, तो इनका भाग्य है। तो उनके भाग्य से जेलसी क्यों करनी कि घर में बैठी रहती है, तो राजा भी तो बैठा रहता है, वो जितना भी काम करती है वही काम है उनका। अब देखा जाए तो फिर वो गर्मी में खाना भी बनाती है आपके लिए। जब बीमार होती है तो एक माता को छुट्टी नहीं मिलती है बेचारी को, वो तब भी खाना बनाएगी, कपड़े धोएगी। आदमी बीमार पड़ता है तो बिस्तरे पे लेट जाता है, नहीं ऐसा होता नहीं क्या, उसकी बिल्कुल सेवा होनी चाहिए बिस्तरे के ऊपर। और एक लेडी जब बीमार पड़ती है तो वो तो लेट नहीं सकती है। तो सोचने की बातें हैं कई सारी, वैसे दूसरी तरफ से भी बहुत सारी बातें सोच सकते हैं। तो ये जो अधिकार की बात हम विशेषता कर रहे थे कि मेरा ये अधिकार है कि मेरे को इतना तो मिलना ही चाहिए, अब मैं कॉन्ग्रीगेशन में आया हूँ तो इतना तो होना ही चाहिए, मतलब वहाँ भी अधिकार आ जाता है। पुराना आदमी है तो उसका अधिकार बढ़ जाते हैं, नए के अधिकार कम है, पुराने के अधिकार भी बढ़ जाते हैं या एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि ईर्ष्या क्रोध इस पर विजय प्राप्त करना चाहिए। धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करके लोभ का परित्याग कर देना चाहिए। बहुत सारे भक्त हैं जो आपस में चर्चा ही यही करते हैं, धन कैसे कमाया जाए, धन कैसे कमाया जाए। बोधयंती परस्पर, गीता में लिखा है दे शुड डिस्कस विद ईच अदर। क्या डिस्कस करना चाहिए, कथ्यंतस्य माम नित्यम, मेरी कथाओं का नित्य चिंतन मनन होना चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, धन कैसे कमाया जाए, धन कैसे कमाया जाए, ये चर्चा है। धन संग्रह करने के उसके उल्टा क्या बता रहे हैं, धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करना चाहिए कि इससे क्या क्या, संग्रह करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। हाँ, चोर घर में आ सकता है, चोरी कर सकता है। जिस ज्वेलरी पे कुंडली लगा के हम लोग बैठे हैं वो ज्वेलरी चोरी जाती है, हमारी कई माताएं बताएंगी हाँ बाबू जी हो गई थी चोरी। हो जाती कि नहीं। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है, ना तो उसको पहननी है ना आगे वाली जनरेशन को पहननी है, लेकिन वो रखी जरूर रहेगी। नहीं, वो रखी रहेगी। इस प्रकार से धन संग्रह करने के दोषों पर विचार करना चाहिए, क्या क्या खतरे हैं इससे, ये हो सकता है, वो हो सकता है, शारीरिक नुकसान कितने सारे हैं, आदमी काम करता है इतना तो कितना शरीर बेकार जाता है उसका। नहीं तो उल्टा हम क्या करते हैं, ऐसे विचार विमर्श करते हैं कैसे धन को बढ़ाया जाए। तो धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करके लोभ का परित्याग कर देना चाहिए और सत्य की विवेचना करके भय का त्याग करना चाहिए। सत्य क्या है, कृष्ण सत्य है, ये जीवन, ये आत्मा सत्य है, ये जीवन तो टलमल है, कभी भी समाप्त हो सकता है। हमें वास्तव में हम क्या हैं, भगवान के अंश हैं, उनका भजन नित्य करना चाहिए। हमें कभी मृत्यु प्राप्ति नहीं हो सकती। मृत्यु मर सकते हैं हम लोग, नहीं मर सकते, मर सकते हैं तो आत्मा कभी मरती नहीं है। कौन मरता है, तो शरीर, इसका मतलब अभी जिंदा है, मरा हुआ है भाई, कंफ्यूज हो गए, शरीर मरा हुआ है जिंदा है, अभी मरा हुआ है तो मरा हुआ है, खून मरे हुए शरीर में ये बह रहा है, ये नाखून मरे हुए शरीर में बढ़ रहा है, जिंदा है ना। फिर तो मरता कौन है, शरीर मरता है ना, इसका मतलब पहले जिंदा था अब मर गया। तो शरीर तो मैटर है, इसका मतलब मैटर जिंदा है, इसका मतलब लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, लाइफ कम फ्रॉम मैटर, पत्थर लकड़ी भूमि आप हो जलवायु जो भी, इससे जीवन पैदा होता है, बताइए। ये बेसिक फिलॉसफी है प्रभुपाद की, ये पता होनी चाहिए तुम्हें। मैटर से लाइफ आती है,
क्यों नहीं आती? किससे लाइफ आती है फिर? लाइफ से आती है। अभी तो आपने बोला शरीर जिंदा है, तो शरीर जिंदा है तो दूसरे शरीर को पैदा कर सकता है, फिर शरीर मरा हुआ है, शरीर मरा हुआ है, तो आप लोग मरे हुए उस वक्त हैं? हैं? जैसे टॉय में सेल डाल देते हैं, तो टॉय जिंदा है मरा हुआ है? टॉय मरा हुआ है? टॉय मरा हुआ है जिंदा है? मरा हुआ ही तो है, सेल को मान लेते हैं जिंदा है, सेल को अगर आत्मा मान ले तो सेल के जाने से टॉय चलने लगता है, तो फिर मृत्यु क्या है? शरीर से आत्मा का निकल जाना, शरीर पहले सेल को निकाल देना। शरीर पहले भी मरा हुआ था और अभी भी मरा हुआ है, आत्मा पहले भी जिंदा थी अभी भी जिंदा है। अब शोक का विषय क्या रह गया फिर, है ना? शोक का विषय क्या रह गया? शोक का विषय केवल ये रह गया कि हमारे साथ था, अब हमारे साथ नहीं है, बस इतना ही। लेकिन इसमें भी अगर हम सोचें कि जैसे हमने सुना था कि आध्यात्मिकता में हमारा भी वहाँ परिवार है, हमारा भी वहाँ ग्रुप है, हमारे ग्रुप के लीडर वहाँ से यहाँ आए थे अपने ग्रुप के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और वहाँ जाके हम फिर जाके क्या होंगे? फिर जाके मिल जाएंगे, तो फिर दुख कहाँ हुआ? तो कुछ ही की बात है, जल्दी जल्दी काम निपटाओ और निकलो, अगर निकल पाए तो, अगर वापस आ गए तो उतना समय और बढ़ गया। तो फिर शोक रहा? तो यही कह रहे हैं, सत्य की विवेचना करके भय का त्याग कर देना चाहिए। अब बताइए, मरने पर भय है, तू चल मैं आया, बस आप चलिए और हम पीछे से आते हैं, इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद पहुंच गए हैं, गुरु महाराज उनके पास में हैं, और समय आने पर हम भी वहीं पहुंच जाएंगे। तो भय का त्याग कर देना चाहिए। इस सब के लिए वैसे विचार विमर्श करने पड़ेंगे। ये बता रहे हैं कि भक्तों को इस प्रकार के विचार विमर्श करने चाहिए कि ये जो बहुत सारा पैसा कमाने के चक्कर में क्या क्या नुकसान होगा, सत्य क्या है, कैसे संतुष्टि लाई जाए, कैसे ईर्ष्या को त्याग किया जाए, कैसे अपने आप को निम्न समझ के संतुष्टि लेके आई जाए, और इस प्रकार से भगवान के धाम में जाया जाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।